Assalamualaikum students, I am Abdul Sain, your mathematics teacher. And in mathematics second year class, the topic is quadratic formula for derivative and quotient formula for derivative. इन दोनों को आज हमने प्रूफ करना है, लेकिन इससे पहले हमने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव कुछ पढ़ चुके हैं. मैं उनको पहले रिवाइज करूंगा क्योंकि इन्हीं रूल्स को हम यहां पर यूज़ करेंगे. पहला रूल है जिसको हम पावर रूल का नाम देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू पावर n, दैट इज n इंटू x की पावर n माइनस 1. जैसा कि मैं ये कहूँ कि d डिवाइडेड बाय dx को हम डेरिवेटिव का नाम देते हैं, पढ़ते d बाय dx हैं, d बाय dx ऑफ x रेस टू पावर 5 हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू x की पावर 5 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 5x4, विच इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू पावर 5 बाय पावर रूल. नेक्स्ट, अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो होगा. जैसा कि मैं ये कहूँ कि डेरिवेटिव ऑफ 3, तो 3 इज अ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू ज़ीरो. सिमिलरली अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ होगा तो कांस्टेंट को उसी तरह छोड़ देंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, जो हम प्रूफ कर चुके हैं. इसी तरह सम और प्रोडक्ट का रूल भी प्रूफ कर चुके हैं कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर डेरिवेटिव लेने के लिए दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, दरमियान में प्लस हुआ क्वेश्चन के अंदर तो प्लस ही लगा देंगे, अगर माइनस हुआ तो माइनस ही लगा देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे. और जो डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास जो पीछे रूल होंगे उनके मुताबिक डेरिवेटिव ले लेंगे. अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो कि प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, जो यहाँ पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है और हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. इसका डेरिवेटिव का जो फार्मूला है ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स दैट इज फर्स्ट फंक्शन इज सेम इट इज प्राइम का मतलब डेरिवेटिव होता है, देन द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शंस, दरमियान में प्लस ही आएगा, फिर हम सेकेंड फंक्शन को उसी तरह लिख देंगे और उसके साथ जो फर्स्ट फंक्शन बच गया उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, दैट इज एफ प्राइम ऑफ एक्स. अभी हमने ये वाला फार्मूला प्रूफ करना है. सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन फार्मूला भी है, लेकिन सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव प्रूफ कर लेते हैं. प्रोडक्ट फार्मूले के लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक फंक्शन जिसको हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. हमने इसका डेरिवेटिव का फार्मूला प्रूफ करना है. अब कोई भी फार्मूला डेरिवेटिव का प्रूफ करने के लिए हम हमेशा यूज करेंगे डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव. मैथमेटिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव? द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइम मीन डेरिवेटिव लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. अब इसके मुताबिक हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स मौजूद है. अब सबसे पहले इसी फंक्शन से इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इसको हम 2 का नाम दे देते हैं और 1 से कैलकुलेट करेंगे
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. नाउ वन इक्वेशंस फ्रॉम वन इक्वेशन यू कैन से दैट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जितने भी यहाँ पर एक्स मौजूद हैं उनकी जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स लगा देंगे. देन विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह लगा देते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी ऑफ ये आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स. अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इक्वेशन नंबर वन से एफ ऑफ एक्स दोनों उठाकर वन में लगा दें सेकेंड में लगा देंगे. नाउ सेकेंड इक्वेशन विल बिकम्स एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो. अब वैल्यू पुट कर देते हैं ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. हमने कुछ भी नहीं किया जस्ट इक्वेशन नंबर टू के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी. अब उसके बाद हमने ये जो नॉमिनेटर में फंक्शन मौजूद है इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस. इसके लिए हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अब ऐड क्या करेंगे, जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वही ऐड करेंगे. तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं हमने क्या सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है. देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेफिनेशन में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है. हमने यहाँ पर बनाना है जी प्राइम ऑफ एक्स. जी प्राइम ऑफ एक्स तब बनेगा जिस वक्त यहाँ पर जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा. अब इसके साथ तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी है. अब हमने कुछ ऐसी टर्म ऐड कर सब्ट्रैक्ट करनी है या ऐड करनी है ताकि हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमन निकालें अंदर बच जाए जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ताकि हम आफ्टर लिमिट उसको जी प्राइम ऑफ एक्स लिख सकें. अब क्या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस चाहिए. तो फिर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. क्यों कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दोनों से कॉमन निकालेंगे अंदर बच जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. अब जो सब्ट्रैक्ट किया वही ऐड करेंगे, बैलेंस रखेंगे इक्वेशंस को. अब यही ऐड कर दिया दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस. अब बचा क्या, ये तो मैंने लिखा ही नहीं. अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स यहाँ पर भी लिख देंगे. ये बन जाएगा माइनस के बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास के एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. अब इन दोनों से क्या कॉमन निकालेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज जीरो दोनों में कॉमन है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. बाकी बचा क्या, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस इन दोनों में भी कुछ कॉमन है जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कॉमन. बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बच जाएगा और कॉमन निकाल लेंगे जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. अब ये डेल्टा एक्स ये दरमियान में प्लस का साइन है लिहाजा ये डेल्टा एक्स इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करें.
मैं इसको अलग डिवाइड करेंगे, इन दोनों को कॉमन ली डेल्टा एक्स, इन दोनों कॉमन ली डेल्टा एक्स लिख देंगे, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। फिर दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, बेशक ये लिमिट साथ अलग लिख देंगे इसके, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, प्लस की फॉर्म में जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है या माइनस की फॉर्म में अलग अलग डिवाइड करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्म में किसी एक से डिवाइड होगा, लिहाजा ये डेल्टा एक्स रिक्वायरमेंट इसके नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है बाय डेफिनेशन वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के नीचे है। इन दिस केस जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के नीचे है, लिहाजा ये डेल्टा एक्स इधर अलग डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ये डेल्टा एक्स इधर डिवाइड करेंगे, इधर डिवाइड नहीं करेंगे। देन विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू, इसके साथ अलग लिमिट लिख देता हूँ कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, अलग डिवाइड कर दिया, इसके नीचे डिवाइड नहीं होगा, क्यों, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। प्लस अब ये डेल्टा एक्स डिवाइड हो जाएगा, लिमिट अलग लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, अलग डिवाइड कर दिया इनटू, अब इसके साथ भी लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डेल्टा एक्स है ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, एदा कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज़ ओनली जी ऑफ एक्स। बाय डेफिनेशन दिस लिमिटिंग वैल्यू इज अ डेरिवेटिव, सिमिलरली दिस, सो वी कैन से दैट ये डेल्टा एक्स यहाँ पर ज़ीरो लगाएंगे इसकी जगह, यहाँ पर बच जाएगा ओनली एफ ऑफ एक्स, ये लिमिटिंग वैल्यू बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन इट विल बिकम जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस दिस लिमिटिंग वैल्यू बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन इट विल बिकम एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स सेम इट इज विच इज द वैल्यू ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स। सो बाय प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, डी बाई डी एक्स मीन डेरिवेटिव, व्हाट एफ ऑफ एक्स इंटू जी प्राइम ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव होगा, जहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसका प्रूफ भी पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन शर्त ये है जो डिनोमिनेटर में फंक्शन डिवाइड हो रहा है जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन डिनोमिनेटर दैट इज जी ऑफ एक्स सेम इट इज प्राइम मीन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज नोमिनेटर सेम इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये क्वेश्चन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव है, और ये आप फार्मूला मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि ये फार्मूला आपने खुद प्रूफ करना है, बुक के अंदर प्रूफ मौजूद है, लेकिन ये आपने खुद प्रूफ करना होगा, और हम एक्सरसाइज के अंदर जिस इसका ये जो रिजल्ट है यही यूज़ करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एग्जांपल, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
और हमने इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब ये नहीं कहा जाएगा कि बाय यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला, हमने खुद देखना होगा कि इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल, कांस्टेंट रूल कांस्टेंट फंक्शन के साथ, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उस फॉर्म में रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास जो गिवन है, गिवन आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री। व्हाट इज टू फाइंड? टू फाइंड हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव, दैट इज क्या मतलब, आपने क्या कैलकुलेट करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स, या इसको ये भी कह सकते हैं वाई प्राइम। अब इसके लिए हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब प्रोडक्ट फार्मूला, फार्मूला कौन सा यूज होगा, जस्ट मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला। अब इसके लिए ये फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं जो मैंने प्रूफ करके आपको बता दिया, और जस्ट स्टेटमेंट में प्रोडक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। इतना आपके जहन में होना चाहिए कि हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास जो गिवन है, जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, किसके लिहाज से, x के लिहाज से। नाउ अब यहाँ पर आप लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जिस वक्त इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री। दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंसिडर होगा और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स कंसिडर होगा, लिहाजा ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब आपने करना क्या है, इस पर ये वाला प्रोडक्ट फार्मूला यूज करना है, पहला फंक्शन उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही फार्मूला यूज करेंगे। अब इस पर फार्मूला यूज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला फंक्शन उसी तरह, क्या मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सेम इट इज, डेरिवेटिव मीन डी बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स क्यूब माइनस थ्री, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, फिर उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और जो फर्स्ट फंक्शन है सेकेंड फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस थ्री, दैट इज सेम इट इज। डी बाई डी एक्स का मतलब प्राइम होता है, दैट इज डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव लेना किस तरह है, पहला फंक्शन इसी तरह दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है और दरमियान में माइनस का साइन है, हम अप्लाई करेंगे दरमियान में प्लस माइनस के लिए, ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है, माइनस हुआ तो माइनस लगाएंगे, प्लस हुआ तो प्लस लगा लेंगे, दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब लेना किस तरह है, पहला क्या है,
एक्स क्यूब किस फॉर्म में है, एक्स की पावर एन की फॉर्म में है, एन एन टू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो क्या बनेगा, एन की जगह यहाँ पर थ्री है, क्या मिलेगा, थ्री एन टू एक्स की पावर थ्री माइनस वन, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा दिया, आगे क्या है थ्री, बड़े थ्री कांस्टेंट, अकेला थ्री है, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो थ्री की जगह थ्री का डेरिवेटिव हमने ज़ीरो लिख दिया, आगे फिर दरमियान में इधर प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, आगे फिर डेरिवेटिव लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर वही एक्स की पावर एन की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, टू एन टू एक्स की पावर टू माइनस वन माइनस, अब देखें टू किसके साथ है, एक्स के साथ है, टू अकेला नहीं है, टू अगर फंक्शन के साथ होगा, मतलब कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ होगा तो कांस्टेंट बाहर रहेगा और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब टू में अब कोई चेंज नहीं आ रही, वाई, क्योंकि टू हमारे पास फंक्शन के साथ है, लिहाजा हम टू को सेमिडिल रख लेते हैं और एक्स का डेरिवेटिव वही एक्स की पावर वन कंसिडर कर लेते हैं स्टार्टिंग में, तो एक्स की पावर वन पावर रूल आ जाएगा, वन इंटू एक्स की पावर वन माइनस वन, कंप्लीट हो गया, आगे जो फंक्शन बच गया एक्स क्यूब माइनस थ्री विच इज सेम इट इज, अगले स्टेप में पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर बच गया, ये तो ख़त्म हो गया, प्लस टू इंटू एक्स की पावर वन बच गई, माइनस टू टू अंदर टू एक्स की पावर क्या हो गई ज़ीरो हो गई, होल इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री आ गया, अब समथिंग रेस्ट टू पावर ज़ीरो वन, एक्स की पावर ज़ीरो वन हो जाएगी, बच क्या जाएगा ओनली माइनस टू, हम डायरेक्टली भी जिस वक्त एक्स का डेरिवेटिव लेंगे उसको डायरेक्ट वन लिख सकते हैं, ये लिखना कोई लाजमी नहीं था क्योंकि ये पहले क्वेश्चन थे, मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं कर दिया, तो ये आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री, अब आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यह आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, वन एक ऑप्शन वन इंटू थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स फोर माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, थ्री टू दर सिक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन दर टू, ये आ जाएगा एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स, सिमिलरली माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स, तो क्या मिला थ्री एक्स फोर, सिमिलर टर्म को कंबाइन कर रहा हूँ, माइनस प्लस टू एक्स फोर, एक्स फोर एक्स फोर के साथ कंबाइन किया, माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, ये दोनों भी ऐड होते हैं, ये दोनों भी ऐड होते हैं, क्या मिलेगा थ्री प्लस टू फाइव एक्स फोर माइनस एट एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स अकेला होगा प्लस सिक्स अकेला होगा, और यही हमारे पास आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारे पास रिजल्ट है इसका, मतलब क्या कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन था, फंक्शन क्या था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री, इसका जो डेरिवेटिव है बाय यूजिंग प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, प्रोडक्ट फार्मूला जो मैंने अभी प्रूफ कर लिया है, इसके मुताबिक हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, वो इसके ऊपर बन गया, और कोशिश ये करनी है, यहाँ पर हमें नहीं पता होता हमने कहाँ तक चलना है, हम जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ तक सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब ये जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, लेकिन हमने ये देखा कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो हमने मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ गए हैं,
बाज़ का इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, कॉमन निकाल लेंगे, कुछ कॉमन हुआ जो हमारे पास मैथमेटिक के रूल हैं सिंप्लीफिकेशन के, कहीं कॉमन निकाल लेते हैं, कहीं मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कहीं कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड कर देते हैं, वो तो उन रूल के मुताबिक होगा, लेकिन जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर आकर कम्प्लीट हो जाता है। सिंप्लीफाई करना लाजमी होता है, सिंप्लीफाई करने का भी एक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव के लिए हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। और आपके पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके अंदर 6 क्वेश्चन मौजूद हैं, मतलब ये कि आपकी जो असाइनमेंट बनती है असाइनमेंट है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 1 के अंदर 6 पार्ट्स हैं, यह आपने कम्प्लीटली सॉल्व करना है। अब यूँ समझें कि आपके पास आपकी जो बुक है, बुक की जो पहली एक्सरसाइज बाई यूजिंग रूल ऑफ डेरिवेटिव आई है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसके बगैर आप आगे बिल्कुल नहीं चल सकते। मतलब ये कि यूँ समझ लो कि ये पहला क्वेश्चन ही आपके पेपर का 70% है। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम आगे नहीं चल सकेंगे। इस बुक के अंदर हर चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ लिंक है, इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। इस 2.3 में अगर हर क्वेश्चन को 10 बार भी सॉल्व करना पड़े तो आप लोगों ने सॉल्व करना है। 2.3 स्पेशली विच इज द बेस टू फाइंड द डेरिवेटिव इन द बेस विच इज द फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रोडक्ट फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। बाकी पावर रूल, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, वो तो सब में साथ साथ चलते रहेंगे, वो तो क्वेश्चन फार्मूले में भी आएगा, लेकिन प्रोडक्ट फार्मूले के अंदर हमारे पास ये रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों ने ये असाइनमेंट लाजमी सॉल्व करनी है और सेंड करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।